Very good afternoon, all of you. So, whether we had started with the strategies for sustainable development. Sustainable development का meaning मैंने बता दिया था आपको, एक बार मैं फिर से explain कर देती हूँ. वो development which can be sustained for a long period of time. ठीक है? ये this is not the proper definition. वैसे मैं बता रही हूँ sustainable. मतलब कोई भी चीज sustainable का मतलब क्या? जो sustain कर सके long period of time तक रह सके, यानी ये नहीं कि short lived है. इसके ऊपर फुल स्टॉप ना है. ठीक है, अब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे अराइज हुआ कि डेवलपमेंट के लिए आप कैसे, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ओवर पीरियड ऑफ टाइम. सो हाउ टू इंक्रीज योर पर कैपिटा इनकम? हर कंट्री ने अपनी स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की. एवरी कंट्री फेल्ट कि वी हैव टू डेवलप अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर, उससे आउटपुट बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी. प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन इनकम इज डेवलपमेंट ना. तो नेशनल इनकम और आउटपुट वन एंड द सेम थिंग. आउटपुट कैसे ज्यादा बढ़ सकती है? प्राइमरी सेक्टर के ऊपर रिलाय करके कि सेकेंडरी के ऊपर रिलाय करके? सेकेंडरी के ऊपर. ठीक है, सो दिस इज व्हाट ऑल डेवलपिंग कंट्रीज डिड. दे स्ट्रेस्ड, दे फोकस्ड, दे एम्फसाइज्ड ऑन देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे, इंडस्ट्रियल आउटपुट कैसे बढ़ेगा? फॉर दैट यू नीड इनपुट. इनपुट कहां से आएगा? नेचर से आएगा. प्राइमरी सेक्टर मींस नेचर से आएगा. तो जब आप नेचर के साथ, नेचर से आप रिसोर्सेस ले जा रहे एक्सट्रैक्ट कर ही जा रहे हो, नेचर को वापस तो उतना कुछ कर रहे हो. कुछ रिसोर्सेज रिन्यूएबल होते हैं यानी रिप्लेनिश हो जाएंगे, सिस्टम में वापस आ जाएंगे. कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं. सो विदाउट कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर ने नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया, और उसकी बहुत ज्यादा वेस्टेज भी हुई. यानी नेचुरल, अब रियलाइज हुआ कि नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक जो है वो बहुत कम होने लग गया. सेकेंडली बेटी, इंडस्ट्रीज जितनी ज्यादा बढ़ेंगी उतनी ज्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी आएगी. आईवी इंडस्ट्री इज द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर टू पॉल्यूशन. ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम आने लगी हमारे यहाँ. एक इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो गया, दूसरा रिसोर्सेस खत्म होने लगे. तो जब आज ही आप सारे रिसोर्सेस खत्म कर दोगे तो आने वाली जनरेशन, कल को जो लोग आएंगे वो कैसे अपनी आउटपुट बढ़ाएंगे? उनपे, उनके पास तो इनपुट ही नहीं होगा. इनपुट नहीं होगा, आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगा, इनकम नहीं बढ़ेगी. इनकम नहीं बढ़ेगी तो डेवलपमेंट होगी? फुल स्टॉप. डेवलपमेंट के ऊपर क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप. इज दिस डेवलपमेंट सस्टेनेबल विच वी आर डूइंग राइट नाउ? नहीं. सो वी रियलाइज्ड, इकोनॉमिस्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड रियलाइज्ड दिस प्रॉब्लम. अ बिट लेट बट देन दे रियलाइज्ड. So the concept of sustainable development arose. Sustainable development implies, or it is the process of increase in per capita income of present as well as future generation. Development matlab increase in per capita income, full stop. Sustainable development means increase in per capita income of, or improving the quality of life of present as well as future generation without, you know, much reduction in, without reducing natural resources and without harming environment. Aisi development jisme na sirf present generation, future generation ki bhi quality of life improve ho sake, aur जो कि रिसोर्सेस को खत्म नहीं करती, डिप्लीट नहीं करती और एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती. ऐसी डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट. क्यों नहीं प्रैक्टिकल? दैट इज व्हाई वी आर डूइंग स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हाँ तो वुड वो बेटे, वही तो है ना, वी हैव टू फाइंड दी सब्स्टिट्यूट्स. व्हाई आर यू कटिंग वुड? वन रीजन इज योर कंट्री इज पुअर कंट्री. Maximum people are living in rural areas, so they cannot afford LPG for cooking their food. They need fuel. What do? They go to nearby forest, they cut
the trees and they use it as a fuel. तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है हमारे पास? है ना, अभी प्रधानमंत्री ने भी क्या किया था, उज्ज्वला योजना चलाई थी जिसमें हर लेडी को गैस सिलेंडर दिए थे, ठीक है? सो देयर इज एन अल्टरनेटिव। आप पहले ही सोच लो कि ये प्रॉब्लम है, हम तो मैम ऑनलाइन क्लासेस थी, हम तो ऑफलाइन पेपर ही नहीं देंगे, तो आप तो फेल हो। जब आपने पहले ही क्विट कर दिया, क्विट थोड़ी ना करना है हमने, कल को आपके बच्चे जो हैं वो पानी को तरसेंगे, तो आप आज उसके लिए कुछ नहीं करना चाहोगे? यू वुड लाइक टू डू सम। अगर आप आज कुछ करोगे तभी कल वो वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी जो प्रॉब्लम लग रही है ना हमें, उससे बहुत ज्यादा सीवियर होने वाली है ये प्रॉब्लम। आज पानी बिक रहा है, बट आपकी चॉइस है, आपने ड्रिंकिंग वाटर पैकेज लेना है क्या, आप अपने घर का प्योरीफाई करके पी लोगे? पहले हम बिना, हम जब छोटे होते थे हमारे घर में प्योरीफायर थोड़ी ना होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि वाटर यूज टू बी प्योर, ठीक रहता था पानी, हम बीमार थोड़ी ना रहते थे बचपन में, वी वर फिट। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे प्योरीफायर की जरूरत क्यों जरूरत हुई? क्योंकि हमारा वाटर कंटेमिनेट हो गया ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, राइट? सो अगर अब आज प्योरीफायर है तो आप घर का पानी पी सकते हो, कल को पानी रहना ही नहीं है तो आपको पैकेज्ड वाटर लेना पड़ेगा। आज आप नहा लेते हो, पांच पांच बाल्टियां भर के गर्मियों में पांच पांच बार ही नहा लेते हो, कल को जब नल खोलोगे और 100 रुपया जाएगा बिल आएगा पानी का, तो फिर नहाओगे पांच बाल्टियों से? सो व्हाई डोंट यू रिस्ट्रिक्ट योर कंजम्पशन राइट नाउ, ठीक है? सो क्या स्ट्रेटजीज हैं? कमिंग हरिडली टू दिस, पहला कल हमने कर ली थी यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, आई एम नॉट रिपीटिंग, वी हैव वेरी लेस टाइम। सेकंड, बेटे आर यू पीपल लिसनिंग दिस साइड, नंदिनी सुखमनी, ओके, एंड एन अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू बेटे, 28 फरवरी से योर एग्जाम्स प्री बोर्ड्स विल बी स्टार्टिंग, pre-boards will be starting from 28th of the February. So start preparing for your pre-board and start submitting your practical files. Okay. Then बेटे LPG and गोबर गैस in rural areas. वही मैंने अभी आपको बताया कि rural area के लोग क्या करते हैं fuel के लिए, या तो पेड़ों को काटते हैं या cow dung का इस्तेमाल करते हैं, उससे अपनी आग वो you know cooking चूल्हा जलाते हैं, so उससे बहुत ज्यादा pollution हो रही है और अननेसेसरीली वुड काटी जा रही, पेड़ काटे जा रहे हैं, तो उसके लिए उनको सब्स्टिट्यूट एलपीजी प्रोवाइड करो। एलपीजी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली गैस है। गोबर गैस, गवर्नमेंट को चाहिए गोबर गैस के प्लांट्स लगाए, जो इतना इतने एनिमल्स है, लाइफ स्टॉक इंडिया में कितना ज्यादा है, तो वो गोबर जो जनरेट होता है उसको हम उसकी गैस बना सकते हैं, ठीक है? जब आपने प्रॉब्लम के बारे में सोचा तो सोल्यूशन आई ना, ठीक है? तो स्टार्ट यूजिंग गोबर गैस एंड एलपीजी इन रूरल एरियाज। एंड बेटे सीएनजी इन अर्बन एरियाज, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब आपको पता है दिल्ली में हर व्हीकल सीएनजी है, बसेस वगैरह, दिल्ली में कितनी पोल्यूशन हुआ करती थी, तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कहा जो डीजल वाले व्हीकल्स है वो बंद हो जाएंगे, बसेस वगैरह, किस पे शिफ्ट कर दिया, सीएनजी पे। आज वो सीएनजी पे ऑपरेट करते हैं, विच इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, विच हैज सिग्निफिकेंटली लोअर्ड अवर पोल्यूशन, यानी कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है लेकिन कंपैरेटिवली कम पोल्यूशन जनरेट करती है। तो इसीलिए आज एयर पोल्यूशन कम हो गई है दिल्ली में, एयर क्लीनर है, ठीक है? और आने वाले सालों में बाकी सिटीज भी ये गैस यूज करना शुरू कर देंगे। देन बेटे विंड पावर, ऐसे एरियाज जहां पे विंड की स्पीड काफी हाई है वहां पर विंड मिल्स लगाओ, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करो। देखा हुआ आपने वो बड़ी बड़ी ऐसे वो लगी होती है, वो बहुत देर से, ऐसा थोड़ी ना विंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट पुराना है, नया है, इट्स नॉट न्यू, इट्स एन ओल्ड वन। व्हाट वी वांट, कैसे कोई भी पावर जनरेट होती है, फोर्स, लाइक जैसे विंड चल रही है, विंड से पंखा घूम रहा है, पंखे से वो आगे टर्बाइन चलेगी, टर्बाइन से वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें विंड विल बी कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? सो इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एडवर्स इंपैक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं पड़ेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। हाँ, उसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है लेकिन फिर भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं लॉन्ग रन में वो कॉस्ट को ऑफसेट। नेक्स्ट, मेक यूज ऑफ सोलर पावर थ्रू फोटो
वोल्टेइक सेल्स. बेटे इंडिया नेचुरली इंडोर्ड विद लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. हमारे पास हर कंट्री से ज्यादा सोलर एनर्जी है क्योंकि हम इक्वेटोरियल कंट्री हैं. हमारे ऊपर सन की रेस डायरेक्ट पड़ती हैं, तो हमारे पास सोलर की रेस सनलाइट बहुत ज्यादा है. तो इसको हम अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जो प्लांट्स हैं दे यूज फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, देन विद द हेल्प ऑफ फोटोवोल्टिक सेल सोलर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. आजकल आपने देखा होगा कितने सोलर पैनल लोगों ने घरों के बाहर लगाए हैं, होटेल्स में लगे हुए हैं, है ना, स्कूल्स में लगे हुए हैं. वो क्या होता है, वो पैनल होता है, सोलर पैनल किसके साथ ऑपरेट करता है, फोटोवोल्टिक सेल्स के साथ. उनके ऊपर सन की रेस पड़ती है थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी. सो सी, नो इनपुट. सोलर एनर्जी पे तो कोई राशनिंग ही नहीं है, फ्री है, नेचर दे रही है, आप उसको ले रहे हो. बस उसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा रहती है, लेकिन फिर भी ये एक यू नो एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्निक है. तो इंस्टेड ऑफ यू नो हाइडल एंड थर्मल इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, यू शुड स्विच टू सोलर एनर्जी. और रिमोट एरियाज के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी है. रिमोट मतलब दूर दराज के जो एरियाज हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी सोर्स है. ठीक है, सो एंड दिस टेक्निक इज टोटली फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन. ओके, इंडिया इज ऑल्सो लीडिंग एन इंटरनेशनल बॉडी कॉल्ड इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA. इंडिया लीड कर रही है एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस. ठीक है, ओके. देन मिनी हाइडल प्लांट्स. हाइडल मीन्स पानी से. ठीक है, ओके. सो माउंटेनियस रीजन्स में, इंडिया में जाओ आप, किसी भी माउंटेनियस रीजन्स में जाओ, यू कैन सी द स्ट्रीम्स. पानी बहता है वहां पे, है ना, स्ट्रीम्स रहती है वहां पे. सो और ज्यादातर ये जो स्ट्रीम्स है ना, ये पेरेनियल है. What do you mean by perennial? ज्योग्राफी पढ़ी है आपने, बारामासी थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, थ्रू आउट द ईयर इनमें पानी रहता है. सो जो मिनी हाइडल प्लांट्स हैं वो इन स्ट्रीम्स की एनर्जी को यूज करते हैं टू मूव स्मॉल टर्बाइन्स. क्योंकि स्ट्रीम ऐसा भाखड़ा नंगल डैम है, क्योंकि वो रिवर, भाखड़ा रिवर इज लाइक लार्ज रिवर, और उससे हम बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चला रहे हैं. लेकिन ये जो स्ट्रीम्स हैं इनका पानी कम है, लेकिन इनको हम स्मॉल टर्बाइन्स को मूव करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो इनसे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बहुत ज्यादा मेगावाट तो नहीं होगी, बट इट कैन बी यूज लोकली. भाखड़ा नंगल में जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है पूरे पंजाब में जा रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, नियर बाय एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मिनी हाइडल प्लांट्स लगा सकते हैं. ये हाइडल प्लांट्स मोर और लेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं. दे डू नॉट चेंज दी लैंड यूज पैटर्न इन एरियाज वेयर दे आर लोकेटेड. ये लैंड पैटर्न को, मतलब कौन सा लैंड किस पर्पज के लिए यूज हो रहा है, दैट इज द यूज ऑफ लैंड यूज पैटर्न. अगर आप बड़ा प्रोजेक्ट लगाओगे ना बेटे, तो आपका लैंड यूज का पैटर्न चेंज हो जाएगा. वो कैसे, आपको वो प्लांट लगाने के लिए लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. खेतीबाड़ी हो रही है वहां, या वहां से उसको, वहां पे आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो आपका लैंड यूज का पैटर्न चेंज हो जाएगा. लेकिन मिनी हाइडल प्लांट्स के लिए आपको लैंड यूज का पैटर्न भी चेंज नहीं करना पड़ेगा, यानी एनवायरमेंट के ऊपर कोई ड्रास्टिक इम्पैक्ट. आज केदारनाथ पे ऐसे फ्लड्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, लैंड यूज पैटर्न चेंज हुआ है. आप जगह जगह पहाड़ काट के दुकानें बना रहे हो, तो उससे लैंड यूज पैटर्न में चेंज आ रहा है, नेचर से खिलवाड़ हो रहा है, तो करके ये सिचुएशंस अराइज हो रही हैं. ठीक है, सो दीज विल बी मोर और लेस एनवायरमेंटली फ्रेंडली, एंड दे जनरेट इनफ पावर टू मीट लोकल डिमांड्स. ठीक है, ओके. देन बेटे ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस. ट्रेडिशनली इंडियन पीपल हैव बीन वेरी क्लोज टू एनवायरमेंट.
दे हैव बीन मोर अ कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड नॉट इट्स कंट्रोलर. जो हमारे दादा परदादा ये एनवायरनमेंट के बहुत नजदीक रहे हैं और ये एनवायरनमेंट को अपना एक हिस्सा मानते थे. दे वर बेसिकली कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. आज की जनरेशन एनवायरनमेंट को कंट्रोल करती है. वी आर कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट. हम जब चाहे पहाड़ काट लेते हैं. आप देखो चाइना तो बारिश भी रोक लेता है, बारिश जनरेट भी कर देता है आर्टिफिशियल. सो वी आर कंट्रोलर ऑफ एनवायरनमेंट वेयर एज अवर ओल्डर जनरेशन यूज्ड टू बी अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई नो सच प्रॉब्लम नेचर डिजास्टर ऐसे नहीं आते थे जैसे आजकल आ रहे है ना. तो अब हमारे जो अगर हम देखें अपना एग्रीकल्चरल सिस्टम देखें पुराना, हेल्थ केयर सिस्टम देखें, हाउसिंग देखें, ट्रांसपोर्ट देखें, ये सारी प्रैक्टिसेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली हुआ करती थी. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में देखो क्या हम इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते थे, नहीं करते थे. अगर हम बात करें हेल्थ केयर सिस्टम की, वी यूज टू रिलाई ऑन आयुर्वेदिक, योगा, सिद्ध, नेचुरोपैथी. वी नेवर मेड यूज ऑफ एलोपैथिक. हाँ, देन अगर हम ट्रांसपोर्टेशन देखें, हाउसिंग देखें, हाउसेस वर मेड कूल नॉट बाय एसीज बट बाय पुटिंग यू नो गोबर गैस ऑन द वॉल्स. वो रिटेन कर लेता होता था हीट, है ना. देन बुलक कार्ट्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चलो वो तो स्लो था, नीड ऑफ द आवर है, यू हैव टू चेंज, बट इवन देन एनवायरमेंट फ्रेंडली थे. बट रिसेंटली वी हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम अवर ट्रेडिशनल सिस्टम्स एंड caused large scale damage to the environment and our rural heritage. हम अपने environment से दूर चले गए हैं और उससे ना सिर्फ हमने अपने environment को damage पहुंचाया है बल्कि हमारी जो cultural heritage थी, समझते हो, cultural heritage हमारा एक treasure था, हमारा एक you know हमें heritage जो है संभाल के रखनी होती है, लेकिन हमने उसको अब गवा दिया है. Now is the time to go back. आपने देखा organic farming पे हम switch कर गए. This is what going back. U-turn लिया ना. यहाँ पे कर रहे थे हम organic farming, लेकिन कहते नहीं थे उसको organic farming. मैन्योर्स का इस्तेमाल traditional means से कर रहे थे. आगे गए हम chemical fertilizer की तरफ बढ़े, insecticides, pesticides. रियलाइज किया गलत है, यू टर्न लिया, वापस कहां गए, ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट्स एंड डिस्कार्डेड द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ठीक है, फिर हेल्थ केयर सिस्टम में अगर बात करें तो इंडिया इज प्रिविलेज्ड टू हैव 15,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट विच इज मेडिसिनल. आप केमिकल फैक्ट्रीज में अपनी बना रहे हो मेडिसिन, हमारे पास 15,000 प्लांट की स्पीशीज हैं जो कि मेडिसिनल है. आप सोचो 15,000 बीमारियों को दूर करती होगी कि नहीं, 10,000 को तो करती होगी दूर. ठीक है, सो अबाउट 8,000 ऑफ दीज आर इन द रेगुलर यूज इन वेरियस सिस्टम्स ऑफ ट्रीटमेंट including the folk tradition. इनमें से 8,000 currently in use हैं. हम इनका अभी भी इस्तेमाल करते हैं. लेकिन जैसी western system आया treatment का, जो कि एक speedy system था, फटाफट लोग ठीक होने लग गए जिससे, तो उसके करके हमारे traditional system जैसे कि आयुर्वेद, यूनानी, तिब्बतन and folk system. folk मतलब जैसे folk dance नहीं होता, हर स्टेट का एक स्पेसिफिक, ठीक है, उसी तरह मेडिसिनल का भी एक फोक सिस्टम है. इनसे हम दूर हो गए. सो बट नाउ दीज आर अगेन इन ग्रेट डिमांड. आप देखो किसी को कैंसर वगैरह हो जाता है तो फिर वो मारे मारे कभी होशियारपुर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, वहां पे एक पर्सन है जो दवाई देता है जिसे कैंसर भी ठीक हो जाता है. व्हाट काइंड ऑफ मेडिसिन वुड ही बी गिविंग डू यू थिंक?
आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल है ना, कोई मेडिसिनल प्लांट को वो यूज करते होंगे। यस, सो नाउ आपने देखा ये कैसे योगा की तरफ हम वापस आ गए। क्रेडिट परहैप्स गोज टू मिस्टर मोदी या मिस्टर रामदेव, बाबा रामदेव है ना, बट नाउ पीपल हैव स्विच्ड टू योगा। यू कैन सी इन एवरी पार्क इन अर्ली मॉर्निंग पीपल डूइंग योगा, दैट वॉज नॉट द केस अर्लियर। सो नाउ पीपल आर स्विचिंग टू दीज हेल्थ केयर सिस्टम। सो नाउ डेज एवरी कॉस्मेटिक प्रोड्यूस हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, बॉडी लोशन, फेस क्रीम एंड वॉट नॉट इज हर्बल इन कंपोजिशन। यस, सो नॉट ओनली आर दीज प्रोडक्ट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली, दे आर रिलेटिवली फ्री फ्रॉम साइड इफेक्ट्स एंड डू नॉट इन्वॉल्व लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एंड केमिकल प्रोसेसिंग। इनमें केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है आपका सैंपल पेपर में, ठीक है। और इस बार ही सैंपल पेपर और मार्किंग स्कीम दोनों ही है, सो टू मार्क्स का शायद ऐसा क्वेश्चन आया भी है। यही स्टेटमेंट कोट की हुई है, रिसेंटली पीपल हैव ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड स्टार्टेड मेकिंग यूज ऑफ वेस्टर्न प्रैक्टिसेस। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट, जस्टिफाई दिस। वो दूसरी तरह से भी पूछ सकता है, नाउ पीपल आर स्विचिंग बैक टू द ट्रेडिशनल मेथड, डू यू अग्री, गिव एग्जाम्पल। तो दो, कॉस्मेटिक्स की एग्जाम्पल दो, हेल्थ केयर की एग्जाम्पल दो। मामा अर्थ है कैसे वो देखो, उसका उसकी सीईओ कितनी सक्सेसफुल, यू मस्ट हैव सीन इफ यू आर वॉचिंग शार्क टैंक है ना। तो आज देखो वो कितना मिलियंस का वो बन गया, क्या है वो सारा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट उन्होंने उठाया, ठीक है। ओके, देन इज बायो कंपोस्टिंग। सो इन अवर क्वेस्ट टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ओके जस्ट गिव मी अ मिनट, आई गोइंग टू टेक द Alright. So last point is biocomposting. हमने पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, पिछले कुछ डिकेड्स में जब से न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की, ग्रीन रेवोल्यूशन हमने करी, तो हमने अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने कंपोस्ट वगैरह का यूज बिल्कुल छोड़ दिया। वी बेसिकली स्विच टू द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स है ना, सॉइल को केमिकल फर्टिलाइजर से ट्रीट कर दिया, इमीडिएट प्रोडक्शन बढ़ गई। कौन कंपोस्ट वगैरह का इस्तेमाल करेगा, छोड़ दिया। सो फार्मर्स वुड गो टू द मार्केट, बाय केमिकल फर्टिलाइजर्स विच दे वुड गेट एट सब्सिडाइज्ड प्राइसेस एंड दे वुड इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, उससे उनकी यील्ड बढ़ने लग गई, ठीक है। सो उसका रिजल्ट क्या रहा, हमारे जो प्रोडक्टिव लैंड्स थे उसके जो बड़े बड़े टुकड़े थे, दे हैव बीन एडवर्सली अफेक्टेड। मतलब फर्टिलाइजर से हमने सॉइल को इतना को ट्रीट किया कि उसकी फर्टिलिटी, नेचुरल फर्टिलिटी कम होने लग गई, ठीक है। हमारी वाटर बॉडीज अफेक्ट हो गई। वाटर बॉडीज कैसे अफेक्ट हुई, हमने पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन आर्टिफिशियली सॉइल में डाला। जब पानी आता है, बारिश आती है या हवा आती है, तो पानी बहता है, ऊपर से सॉइल की अपर लेयर बह जाती है, बह के कहां चली जाती है, वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाती है, उसमें नाइट्रोजन पोटेशियम वो मिक्स हो जाते हैं। तो हमारी वाटर बॉडीज या इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनका असर भी उसमें चला जाता है वाटर बॉडीज में, सो दे गेट एडवर्सली अफेक्टेड। और हमारा ग्राउंड वाटर सिस्टम भी कंटेमिनेट, पानी जब जमीन में ये पानी बह जाएगा है ना, तो वो भी कंटेमिनेट हो जाएगा, ठीक है। सो और इरीगेशन की डिमांड साल भर साल बढ़ती जा रही है, क्यों, क्योंकि जब आप केमिकल फर्टिलाइजर सॉइल में डालोगे तो आपकी सॉइल ज्यादा पानी मांगेगी। आप फ्राइड खाते हो उसके बाद प्यास ज्यादा लगती है, ज्यादा पानी पीते हो ना, ऐसे ही सॉइल है। सॉइल को जब आप केमिकल फर्टिलाइजर्स देते हो तो ज्यादा पानी मांगती है, नहीं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं होती है, यील्ड ज्यादा नहीं होती है। तो इरिगेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है, ठीक है। सो जो फार्मर्स हैं अब क्या है, दे हैव स्टार्टेड मेकिंग यूजिंग कंपोस्ट अगेन। आपने अपने स्कूल में पीछे देखा है, अभी छुट्टी होगी ना तो जाके देखना, पीछे वो ड्रम्स पड़े हुए हैं जिसके ऊपर कंपोस्ट लिखा हुआ है, उसमें हमने जितने भी ड्राइड लीव्स होते हैं, बनाना के पील्स होते हैं है ना, राख होती, जो भी वेस्टेज ऐसे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डाल दिया है, उसमें वो माली आता है और वो उसको ऐसे रोटेट करके चला जाता है, वो मतलब ट्रीट होती जा रही है,
सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल बी कन्वर्टेड इन टू मैन्योर. आप अपने घर में कर सकते हो, आप घर में एक अपना एक बड़ा सा गार्बेज बिन रखिए, उसमें जितना भी आपका फूड का छिलके हैं, है ना, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है आप उसमें डालते जाओ. ड्राइड लीव्स घर के हैं, कोई भी केले के छिलके, सेब के छिलके, सब्जियों के छिलके, उनको फेंकने की बजाय आप उसमें डालो. सो चार पांच महीने में वो कंपोस्ट बन जाएगी. ठीक है, सो इस ऐसे करने से जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का की डिमांड कम हो जाएगी, केमिकल कंटेमिनेशन कम हो जाएगा. ठीक है, तो कैटल को मेंटेन करते हैं फार्मर्स. क्यों? दे गिव काउ डंग विच इज एन इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर. जो गाय का गोबर है वो भी सॉइल को फर्टाइल बनाता है. देन अर्थवॉर्म्स, पता है आपको अर्थवॉर्म्स क्या करते हैं? वो आर दे यूजफुल? यू नो दे आर कॉल्ड एज फार्मर्स फ्रेंड्स. व्हाई? व्हाट डू दे डू? दे कन्वर्ट ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट फास्टर देन नेचुरल कंपोस्टिंग प्रोसेस. तो जैसे मैंने कहा वो पीछे ड्रम्स हमारे स्कूल के पड़े हुए हैं, अगर हम उनमें अर्थवॉर्म्स डाल देंगे तो हमारा ये प्रोसेस स्पीडियर हो जाएगा. ठीक है, सो दिस प्रोसेस नाउ इट्स बीइंग वाइडली यूज्ड. देन लास्ट इज बायोपेस्ट कंट्रोल. तो जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो पूरी कंट्री में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल धड़ाधड़, और क्योंकि हमारे फार्मर्स जो है वो क्या है, अनपढ़ है, तो उनको ट्रेन किया गया भाई इतना डालना है. ठीक है, जब वो शॉप पे लेने गए उसने कहा इतना डालना है, उसने तो अपनी सेल बढ़ानी है ना. शॉप से घर लेके आए तो फार्मर ने कहा इतना डाल दो, कहीं क्रॉप खराब ना हो जाए, 12 साल में 6 महीनों की मेहनत है तो ज्यादा ही डाल देता हूँ. तो ये किसके अंदर जा रहा है? हमारे अंदर. क्या है ये? पॉइजन. साइड वर्ड इंसेक्टिसाइड, CIDE जहां लग गया ना, दैट इज पॉइजनस. ठीक है, सो एडवर्स इफेक्ट्स अब हमें दिख रहे हैं. हमारे फूड प्रोडक्ट्स कंटेमिनेटेड है, हमारी सॉयल, हमारी वाटर बॉडीज, इवन ग्राउंड वाटर जो है वो पेस्टिसाइड्स के साथ कंटेमिनेटेड हो गए हैं. हमारे जो मिल्क, मीट, फिशेस, आजकल हम जो भी खा रहे हैं दैट इज ऑल कंटेमिनेटेड. सो इसके लिए हमने क्या किया है? यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स. केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं बनाओ. कैसे पेस्टिसाइड्स बनाओ? बेस्ड ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स, जैसे कि नीम. सुना कभी आपने, अगर फेसबुक पे कभी वो वीडियो देखी हो कि नीम का पानी से प्लांट्स को स्प्रे कर दो तो वो कीड़े नहीं आएंगे. ठीक है, तो दैट इज यू नो प्योरली ऑर्गेनिक. ओके, देन मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन कंसेक्यूटिव ईयर ऑन द सेम लैंड हैव आल्सो हेल्प्ड द फार्मर्स. सो अवेयरनेस स्प्रेड की जा रही है कि हम कौन से एनिमल्स और बर्ड्स का इस्तेमाल करके भी पेस्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं. पता ही होगा आपको. ठीक है, जैसे स्नेक्स दे प्रे अपॉन रैट्स, माइस एंड अदर प्रेस. तो आप छोड़ो, सांप को छोड़ोगे आपके खेत में से चूहे वगैरह भाग जाएंगे. ठीक है, तो आउल्स, पीकॉक्स दे प्रे अपॉन वर्मिन एंड पेस्ट्स. वर्मिन भी कीड़ा होता है. ठीक है, एंड पेस्ट्स को वो लोग खा जाते हैं. सो इफ दे आर अलाउड टू ड्वेल ऑन दीज एग्रीकल्चरल एरिया दे मे क्लियर लार्ज वराइटी ऑफ पेस्ट्स इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स. लिजर्ड्स भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हैज बिकम अ कैच फ्रेज टुडे. इट इज इंडीड अ पैराडाइम शिफ्ट इन डेवलपमेंट थिंकिंग. दो इट हैज बीन इंटरप्रेटेड इन नंबर ऑफ वेज, अडियरेंस टू दिस पाथ इंश्योर्स लास्टिंग डेवलपमेंट एंड नॉन डिक्लाइनिंग वेलफेयर फॉर ऑल. ठीक है, सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसमें आपको टर्म्स भी पूछी जा सकती हैं, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, डिफरेंस बिटवीन द टू, स्ट्रेटजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन द डाइकोटॉमी रिलेटिंग टू स्टेट ऑफ एनवायरमेंट इन इंडिया. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.